नमस्कार दोस्तों, आप सभी का डॉक्टर सौरभ यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। आज वीडियो में जानकारी देंगे लीवर के बारे में। दोस्तों, लीवर यानी यकृत के बारे में, जिगर के बारे में आपको बताऊंगा। लीवर को स्वस्थ रखने के लिए आपको वेरी इफेक्टिव होम्योपैथी मेडिसिन के बारे में। क्या आपका लीवर आपको बहुत ज्यादा दर्द महसूस कराता है? क्या आपके लीवर पर सूजन आ गई है? क्या आपके लीवर में फैट जम गई है? क्या आपका लीवर फैटी हो गया है? क्या आपका लीवर हेप्टोमेगाली हो गया है? लीवर के बर्न की वजह से क्या आपको हमेशा आपके पेट में दर्द रहता है? क्या आप अपने लीवर के दर्द की वजह से हमेशा परेशान रहते हैं? क्या आप अपने लीवर की वजह से आपका शरीर का वजन नहीं बढ़ रहा है? क्या आप कुछ भी खाना खाते हैं तब आपको वह बहुत ज्यादा दर्द महसूस करता कराता है? क्या आप कुछ भी खाना खाने के बाद आपका पेट फूल जाता है? क्या आपका पेट फूलने लगता है, गैस बनने लगती है? आपको दोस्तों लीवर की वजह से होने वाली हर तरह की प्रॉब्लम को दूर करने के लिए इफेक्टेड होम्योपैथिक मेडिसिन के बारे में आज आपको बताऊंगा। दोस्तों, वेरी इफेक्टेड होम्योपैथिक मेडिसिन, एकमात्र होम्योपैथिक मेडिसिन जो आपके लीवर को हमेशा के लिए स्वस्थ रखती है। दोस्तों, आपके लीवर में होने वाली हर तरह की प्रॉब्लम को दूर करती है, आपके लीवर को एक तरह से पूरी तरह से साफ कर देती है, पूरी तरह से क्रोनिक डिजीज को, लीवर में होने वाली पुरानी से पुरानी बीमारियों को हमेशा के लिए साफ कर देती है। दोस्तों, वेरी इफेक्टेड होम्योपैथिक मेडिसिन है। तो अगर आप अभी चैनल पर नहीं है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। दोस्तों, आज मैं वीडियो में जानकारी दूंगा कि आपको लीवर को स्वस्थ रखने के लिए क्या क्या करना चाहिए, और जब आपका लीवर आपका डिस्टर्ब हो जाता है तब आपको क्या क्या नुकसान आपके शरीर में हो सकते हैं, क्या क्या बीमारी आपको हो सकती है, और अगर आपको ये बीमारियां हो जाती हैं तब आपको कौन सी इफेक्टिव होम्योपैथी मेडिसिन का यूज करना चाहिए, जिससे कि आप हमेशा के लिए लीवर जैसी समस्या से क्रोनिक पुरानी पुरानी से पुरानी समस्या को हमेशा के लिए दूर कर सकते हैं। तो प्लीज वीडियो को लास्ट तक देखते रहें। लीवर हमारे शरीर का सबसे महत्वपूर्ण ऑर्गन होता है। दोस्तों, जब अगर आपके लीवर पर सूजन आ जाती है, आपका लीवर बढ़ जाता है, या फिर लीवर में आपको हेप्टोमेगाली हो जाता है, या फिर लीवर सिरोसिस जैसी समस्या आपको हो जाती है। दोस्तों, लीवर सिरोसिस में आपका लीवर को एक तरह से कैंसर सिद्ध कर दिया जाता है। क्या आपके लीवर सिरोसिस हो जाने की वजह से आपका पेट में पानी पड़ जाता है, एसाइटिस की समस्या हो जाती है, आपका पेट फूलने लगता है, आप कुछ भी खाना नहीं खा पाते हैं, आपको दोस्तों जब भी आप कुछ भी खाते हैं तो वो आपको पचता नहीं है, उसका डाइजेशन नहीं होता है, आपका पेट फूलने लगता है। दोस्तों, लीवर हमारे शरीर का सबसे महत्वपूर्ण ऑर्गन होता है। अगर यह स्वस्थ है तो हमारा पूरा शरीर, ऑल बॉडी स्वस्थ है। दोस्तों, लीवर अगर डिस्टर्ब है तो हमारा पूरा बॉडी, हमारा पूरा शरीर डिस्टर्ब हो जाता है। अगर दोस्तों लीवर पर थोड़ी सी भी प्रॉब्लम आ जाती है तो हमें महसूस होने लगती है। दोस्तों, लीवर अगर आपका स्वस्थ है तो आपका मानसिक संतुलन भी सही रहेगा, शारीरिक आपका विकास होता रहेगा, शारीरिक और मानसिक तौर से आप स्वस्थ रहेंगे। अगर आपका लीवर डिस्टर्ब हो जाता है तो आप शारीरिक और मानसिक रूप से बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाते हैं। दोस्तों, लीवर की ही वजह से आपको दोस्तों किसी भी काम में आपका मन नहीं लग सकता है, आपको थकावट महसूस होने लगती है, कमजोरी आपको आ सकती है, आप दोस्तों अपना ध्यान एक जगह नहीं लगा पाते हैं। अगर आप लीवर जैसी प्रॉब्लम हो जाती है तब दोस्तों आपको अधिक से अधिक कोशिश करनी चाहिए कि आप कितना ज्यादा उबला हुआ भोजन खा सकते हैं। लीवर को स्वस्थ दोस्तों आप खुद रख सकते हैं, आप अपने ही द्वारा अपने लीवर को स्वस्थ रख सकते हैं, और वह सब खाने पीने के ऊपर। अगर दोस्तों आप अपने खाने में बहुत ज्यादा ऑयली फूड का इस्तेमाल करते हैं तब आपको लीवर बहुत ज्यादा डिस्टर्ब हो जाता है। ध्यान रहे, अगर आपका लीवर डिस्टर्ब हो जाता है तो आपके लिए बहुत ज्यादा नुकसान हो सकता है। तो आप कोशिश करें कि आप कितना ज्यादा से ज्यादा आप उबला हुआ भोजन खा सकते हैं। दोस्तों, बहुत ज्यादा साधारण भोजन का इस्तेमाल करें, बहुत ज्यादा हल्का भोजन आपको खाना चाहिए, बहुत ज्यादा तला भुना भोजन आपको बंद कर देना चाहिए, जंक फूड हमेशा के लिए बंद कर देना चाहिए, पानी अधिक पीने की कोशिश करनी चाहिए। दोस्तों, अगर आप अपने हेप्टोमेगाली लीवर की वजह से बहुत ज्यादा परेशान है, अगर आपके पेट में पानी पड़ गया है, अगर आपको लीवर से संबंधित किसी भी तरह की प्रॉब्लम हो जाती है, लीवर की वजह से अगर आपको चर्म रोग हो जाता है, स्किन की डिजीज हो जाती है, खास खुजली फोड़ा फुंसी की समस्या आपको होने लगती है, सांस फूलने लगता है, अगर आपका पेट चढ़ जाता है, गैस बनने लगती है, एसिडिटी आपको होने लगती है, मेडिसिन का नाम है लिप्टी सिरप। दोस्तों, ये है लिप्टी सिरप। दोस्तों, वेरी इफेक्टेड होम्योपैथिक मेडिसिन है लिप्टी सिरप। दोस्तों, यह है लिप्टी सिरप। दोस्तों, SVL कंपनी का लीवर टॉनिक है, जो कि दोस्तों लिप्टी के नाम से आता है, और बहुत ज्यादा इफेक्टेड मेडिसिन है, क्योंकि यह है दोस्तों लिप्टी सिरप हर तरह की लीवर की प्रॉब्लम को दूर करता है। लीवर की वजह से अगर आपको पीलिया हो जाता है, आपको दोस्तों जॉन्डिस हो जाता है,
हेपेटाइटिस सी की समस्या आपको हो जाती है, काला पीली आपको हो जाता है, हेप्टोमेगाली लीवर हो जाता है, लीवर पर आपका बर्म आ जाता है, सूजन आ जाती है, घबराहट होने लगती है, सांस फूलने लगता है, पेट चढ़ने लगता है, गैस बनने लगती है, एसिडिटी बनने लगती है, तो आपके सीने में जलन होने लगती है दोस्तों, आपको हमेशा दर्द महसूस होता रहता है, आपके लीवर पर हमेशा दर्द महसूस होता रहता है, तब आपको लिप्टी सिरप का इस्तेमाल करना चाहिए दोस्तों। एक वेरी इफेक्टेड होम्योपैथी मेडिसिन है लिप्टी सिरप, आपके लीवर की हर तरह की प्रॉब्लम को हमेशा के लिए साफ कर देता है। लिप्टी सिरप को लेना भी बहुत ज्यादा इजी होता है दोस्तों, कॉस्ट भी बहुत ज्यादा कम होती है इसकी। इसका 100 ml का पीस भी आता है, 180 ml का पीस भी आता है, और 450 ml में भी इसका पोंड आता है दोस्तों। आप अपने अनुसार इस मेडिसिन को इस्तेमाल कर सकते हैं दोस्तों, वेरी इफेक्टिव मेडिसिन है। आपको भूख नहीं लगती है, आपका लीवर बढ़ जाता है, आपको दोस्तों चक्कर आने लगते हैं, कमजोरी आने लगती है, आप लिप्टी सिरप का इस्तेमाल कर सकते हैं। लीवर की हर तरह की प्रॉब्लम, हर तरह की समस्या को दूर करता है। कालमेघ दोस्तों होम्योपैथी की एक ऐसी मात्र होम्योपैथी मेडिसिन है जो लीवर की हर तरह की प्रॉब्लम को दूर करती है। कालमेघ मेडिसिन को लेने से बार बार बुखार आने वाली समस्या भी आपकी दूर हो जाती है, टाइफाइड निकल जाता है, पुराने से पुराना पैरों का दर्द, पुराने से पुराना पेट का दर्द, पुराने से पुराना सिर का दर्द आपका चला जाता है, आपको जरूर इस्तेमाल करना चाहिए दोस्तों। नेक्स्ट मेडिसिन इसके अंदर ली हुई है पोडोफाइलम, इपिका और दोस्तों ट्रैक्सिकम, दोस्तों वेरी इफेक्टिव मेडिसिन है, जरूर इस्तेमाल करें दोस्तों। लिप्टी होम्योपैथिक का यह सिरप जरूर इस्तेमाल करना चाहिए, हर तरह की प्रॉब्लम लीवर की दूर हो जाती है बिना किसी साइड इफेक्ट के दोस्तों। आपको यह कभी भी किसी भी उम्र में आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, लेडीज हो या फिर जेंट्स, हर कोई इस लिप्टी सिरप का इस्तेमाल करके लाभ ले सकता है। आपको लिप्टी सिरप का लेने का तरीका मैं आपको बता देता हूँ दोस्तों। अगर आपकी उम्र आपकी 14 साल से नीचे है, वे जिनकी 14 साल से उम्र कम है उनको एक एक चम्मच दिन में 3 बार इसका इस्तेमाल करना चाहिए, आधे कप निवाए पानी में डालकर, आधे कप निवाए पानी में डालकर दिन में 3 बार खाना खाने के पहले आपको एक एक चम्मच इस्तेमाल करना चाहिए 14 साल से नीचे वालों के लिए दोस्तों। अगर 14 साल से ऊपर है तब उनको 2-2 चम्मच दिन में 3 बार आपको इस्तेमाल करने चाहिए, खाना खाने से पहले आधे कप निवाए पानी में डालकर। लिप्टी सिरप का आप रेगुलर कुछ दिन इस्तेमाल करते हैं तब आपके लिए बहुत ज्यादा इफेक्टिव हो जाता है, बहुत ज्यादा आपको रिजल्ट मिलने देखने को मिलता है। और वे बच्चे जिनकी खाने पीना उनको शरीर को नहीं लगता है, बहुत ज्यादा दुबले पतले होते चले जाते हैं, लीवर की वजह से उनको परेशानी रहती है दोस्तों, उनका शारीरिक और मानसिक विकास होने लगता है और बहुत ज्यादा तेजी से भी उनका शारीरिक विकास होने लगता है और बच्चे का शरीर बहुत ज्यादा हेल्दी हो जाता है दोस्तों। इसका इस्तेमाल कभी भी किसी उम्र के किसी भी व्यक्ति को आप इसका इस्तेमाल करा सकते हैं, नो साइड इफेक्ट होता है, किसी भी तरह का इसका नुकसान नहीं होता है। इसको इस्तेमाल कराने से आप हर तरह की लीवर की प्रॉब्लम को हमेशा के लिए दूर कर सकते हैं। अपने लीवर से संबंधित या फिर किसी भी बीमारी से संबंधित अधिक जानकारी लेना चाहते हैं तब आप हमारी वेबसाइट periupchar.com पर देख सकते हैं, आपको हमारी वेबसाइट की लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। परिउपचार होम्योपैथी की इस वेबसाइट पर जाइए और हर तरह की बीमारी के बारे में आप जानकारी ले लीजिए, हर तरह की होम्योपैथी मेडिसिन के बारे में आप जानकारी ले सकते हैं। अगर दोस्तों आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और वीडियो को बहुत अधिक शेयर कीजिए। थैंक यू दोस्तों।